जैन साथियों देखो, जैसा कि हम पढ़ रहे हैं गंगा नदी, हमने पिछले वीडियो में बताया कि गंगा नदी का उद्गम कहां से होता है, तो साथियों पर्टिकुलर स्थान से नहीं होता है, कई सारी नदियों के मिलने से गंगा नदी का उद्गम होता है। तो साथियों आज हम देखेंगे गंगा नदी के बारे में। देखो इसकी लंबाई कितनी होती है, तो गंगा नदी की लंबाई है 2525 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई होती है, लेकिन भारत में है वो 2510 किलोमीटर है। ठीक है, भारत में इसकी लंबाई कितनी है, 2510 किलोमीटर है, क्योंकि ये बाद में बांग्लादेश में जाती है और उद्गम इसका भारत में होता है, उत्तराखंड में ही होता है। ठीक है, अनेक सारी नदियां हैं वो मिलकर गंगा नदी बनाती है। अब इसमें पूछते हैं कि उद्गम पूछता है, अगर एग्जाम में प्रश्न आ गया कि भैया गंगा नदी का उद्गम कहां से होता है, वास्तव में गंगा नदी का उद्गम एक स्थान से नहीं होता है, लेकिन अगर ऑप्शन में आपका गंगोत्री आ रहा है तो उसको आप लगा लेना, लेकिन वास्तव में हमने पिछले वीडियो में समझाया कि वास्तव में कोई गंगा नदी का उद्गम एक स्थान से नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें आप लिखना है कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री हिंदुत्व से होता है, तो गंगोत्री हिंदुत्व से भागीरथी नदी का उद्गम होता है और इसी को ही गंगा नदी का उद्गम मान लिया जाता है, लेकिन वास्तव में नहीं होता है, इसको आप ध्यान रखना है। ठीक है, अगला है कि 2008 में इसको राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया, यानी कि गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है, और भागीरथी नदी है जिसका भागीरथी नदी का उद्गम कहां से होता है, आपका उत्तरकाशी जिला गंगोत्री हिंदुत्व से होता है। तो भागीरथी नदी जब अलकनंदा में मिलती है, कहां पर मिलती है, देवप्रयाग में मिलती है, और देवप्रयाग के बाद वो नदी यानी कि वो दोनों नदियां क्या कहलाती है, गंगा नदी कहलाती है, तो वहीं से ही गंगा नदी के नाम से जान जाती है, पहले वह गंगा नदी के नाम से नहीं जानती है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखना है। अब देखिए गंगा नदी की सहायक नदियां की बात करते हैं, तो ये डायग्राम आप देख पा रहे होंगे, उसको आप देख लीजिए। ठीक है, ये गंगा नदी का डायग्राम है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि भैया जो भागीरथी नदी है और अलकनंदा नदी है, जब अलकनंदा में कौन सी आती है, भागीरथी आती है, कहां पर आती है, देवप्रयाग में आती है, तो वो नदी आगे जाके क्या कहलाती है, गंगा नदी कहलाती है, इसको आप ध्यानपूर्वक देखो। उसके बाद है यमुना नदी है, वो आपकी गंगा में कहां पर मिलती है, प्रयागराज में आकर गंगा नदी में मिलती है, और यमुना की सहायक नदी है चंबल, इसको भी आप ध्यान रखना। तो साथियों सबसे पहले क्या अलकनंदा में भागीरथी आई, देवप्रयाग के बाद वो नदी गंगा नदी के आई, और गंगा नदी में प्रयागराज में कौन सी आती है, यमुना आती है, और यमुना प्रयागराज में आती है, यमुना की सहायक मुख्य रूप से संबल है। अब देखे तो गंगा नदी की जो बाय क्रम की नदियां है, जो बाय क्रम की सहायक नदियां है, बाय क्रम की सहायक नदियां और एक दाय क्रम की सहायक नदियां, तो बाय क्रम की सहायक नदियां की बात करते हैं, एग्जाम में प्रश्न आता है बाय क्रम की सहायक नदियां कौन सी है या दाय क्रम की सहायक नदियां कौन सी है। तो देखो बाय क्रम की सहायक नदी सबसे पहली है राम गंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, इसको क्रम वाइज याद रखना, क्योंकि कई बार ऑप्शन में आता है कि भैया क्रम में सजाइए, तो भैया यहाँ ही से आपका एग्जाम में प्रश्न आता है, जिसको आप ध्यान रखना पड़ेगा। तो रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा आती है, ये बाय क्रम की नदी हो जाएगी, और दाय क्रम की देखे तो देखो ऐसी नदी बहरी है, तो ये बाय क्रम की होगी और ये दाय क्रम की हो जाएगी, तो दाय क्रम की कौन कौन सी हो जाएगी, इसको भी आप ध्यान रखना। सबसे पहली हो जाएगी चंबल नदी, चंबल नदी भी दाय क्रम की है। ठीक है, चंबल नदी हो जाएगी। उसके बाद है टोंस या तमसा नदी, उसके बाद है करमनासा, उसके बाद है सोन नदी, उसके बाद है पुनपुन नदी, तो ये दाय क्रम की हो जाएगी। बाय क्रम की कौन सी, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, दाय क्रम की सबसे पहली है यमुना, उसके बाद है आपकी टोंस या तमसा, करमनासा है, सोन है, पुनपुन है, और उसके बाद ये नदी है वो फरक्काबाद, फरक्काबाद कहां पर है, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में, वहां पर देखो साथी पश्चिम बंगाल में क्या है, फरक्काबाद है, और फरक्काबाद से जो आगे नदी है, जो गंगा नदी है, वो दो भागों में बढ़ जाती है, यानी कि जो मुख्य नदी होती है वो भागीरथी के नाम से आगे बढ़ती है। अब देखो सबसे पहले ये भागीरथी थी, अब आगे जाके जो गंगा नदी है वो भी भागीरथी बन जाती है। ठीक है, कहां पर, वेस्ट बंगाल के आगे जब फरक्काबाद है उसके आगे नदी वो भागीरथी कहलाती है, और भागीरथी जब बांग्लादेश में जाती है तो वो पद्मा कहलाती है। इसमें गंगा नदी किस नाम से जानती है, आपकी पद्मा नदी के नाम से, और जो आपके एक और भित्रिका है वो कलकत्ता जाती है, उसका नाम है हुगली, उसको भी आप ध्यान रखना, हुगली नदी और आपकी भागीरथी नदी। तो एग्जाम में प्रश्न क्या आता है, फरक्का नदी के बाद गंगा नदी कितने भागों में बढ़ जाती है, दो भागों में, कौन कौन सी। अब नाम पूछता है, कई बार एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है और आएगा, और कई बच्चे इसमें कन्फ्यूजन होते हैं, वो क्या लगा रहते हैं, पद्मा और हुगली, पद्मा मत करना, भागीरथी और हुगली, भागीरथी के बाद बांग्लादेश में जाती है तब वो पद्मा कहलाएगी, तो इसको आप पहले देख लीजिए। अब देख लेते हैं जो आपकी गंगा नदी की सहायक नदियां हैं, इसके बारे में एक एक करके देख लेते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये गंगा नदी है वो भारत की सबसे लंबी नदी है, इसको भी आप ध्यान रखना है, और इसकी जो सहायक नदी है वहां से भी एग्जाम में प्रश्न आता है, तो उसको अभी देख लेते हैं। पहले आप इसको देख लीजिए, गंगा नदी की पहली सहायक नदी देखें तो राम गंगा नदी, कौन सी नदी, राम गंगा नदी,
साथियों रामगंगा नदी कहाँ से निकलती है, तो नैनीताल से निकलती है, नैनीताल है उत्तराखंड में। और रामगंगा नदी किनारे कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, इसको भी आप ध्यान रखना, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जिम कार्बेट नेशनल पार्क है। और कन्नौज, कन्नौज यूपी में पड़ता है, तो कन्नौज के समीप ये गंगा नदी में मिलती है, कौन सी, रामगंगा नदी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो आपका जिम कार्बेट नेशनल पार्क है, इसका नाम भी हो गया है रामगंगा नेशनल पार्क, इसको भी आप ध्यान रखना, नया नाम बदल दिया गया है। उसके बाद आपकी रामगंगा हो गई, उसके बाद है गोमती नदी। तो गोमती नदी की क्या है, वो अवध क्षेत्र की प्रमुख नदी है। अवध क्षेत्र की प्रमुख नदी कौन सी, गोमती नदी। और गोमती नदी का उद्गम कहां से होता है, तो फुलर झील से होता है। फुलर झील कहां पर है, उत्तर प्रदेश में है, पीलीभीत के पास ही है फुलर झील, तो वहां से गोमती नदी का उद्गम होता है। और गाजीपुर है यूपी में, उस गाजीपुर में गंगा नदी में ये गोमती नदी मिलती है। यानी जो रामगंगा नदी है वो कहां पर मिलती है, तो रामगंगा नदी है वो कन्नौज के समीप गंगा नदी में मिलती है। जो गोमती है वो गोमती कहां पर मिलती है, तो आपकी गाजीपुर यूपी में गोमती नदी है वो किसमें मिलती है, गंगा में मिलती है। तीसरी देखे तो आपकी आती है घाघरा नदी, कौन सी आती है, घाघरा। तो घाघरा नदी है वह कहां से निकलती है, मापचाचू हिमनद तिब्बत में पड़ता है, वहां से निकलती है घाघरा नदी। और ये मिथिला क्षेत्र की प्रमुख नदी है। बिहार यानी कि छपरा बिहार में ये गंगा नदी में मिलती है। और घाघरा को वर्तमान में क्या कहते हैं, घाघरा को वर्तमान में कहते हैं सरयू, क्योंकि योगी सरकार ने इस घाघरा नदी का नाम सरयू किया गया है। इसके किनारे अयोध्या है, इसको भी आप ध्यान रखना। अब गंगा की सहायक नदियों में अगली नदी है वो है गंडक, कौन सी है, गंडक। साथियों एक एक को डीप में पढ़ रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि भैया यहीं से एग्जाम में प्रश्न आएंगे, और ऐसा कंटेंट आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, क्योंकि इतना डीप में नहीं मिल सकता और प्रश्न यहीं से उठते हैं, ठीक है। देखो सबसे है अब है गंडक नदी। गंडक नदी की बात करें तो ये कहां से निकलती है भैया, गंडक नदी कहां से निकलती है, नेपाल हिमालय से निकलती है। नेपाल में से नारायणी नदी कहते हैं, क्या कहते हैं, नारायणी नदी कहते हैं गंडक नदी को नेपाल में। और ये गंडक नदी है वो सोनपुर कहां पर पड़ता है, बिहार में, सोनपुर बिहार में ये गंगा नदी में मिलती है। कहां पर मिलती है, सोनपुर बिहार में ये गंगा नदी में मिलती है। उसके बाद नदी कौन सी है, उसके बाद है कोसी नदी, कौन सी है, कोसी नदी है। तो कोसी नदी की बात करें तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं, क्या कहते हैं, बिहार का शोक कहते हैं, कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं, इसको ध्यान रखना पड़ेगा। अब बिहार का शोक क्यों कहते हैं, क्योंकि साथियों जो कोसी नदी है वह प्रतिवर्ष अपना मार्ग बदल लेती है, तो इसे विश्वासघात नदी भी कहती है, क्योंकि ये बिहार में बाढ़ लाती है, क्योंकि ये प्रतिवर्ष अपना मार्ग बदल लेती है तो बाढ़ तो आएगी, ठीक है, इसलिए बिहार का शोक कहते हैं। और कोसी नदी नेपाल में गोसाई धाम से निकलती है, कोसी नदी कहां से निकलती है, आपका गोसाई धाम से निकलती है, जो कहां पर है, नेपाल में है। और उसके बाद है आपकी महानंदा, कौन सी है, महानंदा नदी है। जो महानंदा नदी है वो गंगा की जो आपकी अंतिम बाएं तट की अंतिम सही नदी है, ठीक है। तो उसके बाद महानंदा नदी कहां से निकलती है, दार्जिलिंग हिमालय से निकलती है, कहां से निकलती है, दार्जिलिंग हिमालय से निकलती है। और फरक्का बांध है, तो फरक्का के समीप ये महानंदा नदी है वो गंगा नदी में मिल जाती है। और फरक्का से वो नदी यानी कि जो गंगा नदी है वो दो भागों में बढ़ जाती है, दो भित्रिकाओं में बढ़ जाती है, तो इसको आप देख लीजिए गंगा की सहायक नदियों में। अब दाएं तट की बात करें, तो हमने बाएं तट की बात कर दी, सबसे पहले पढ़ा रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, इसके बारे में हमने पॉइंट टू पॉइंट पढ़ लिया है। अब देखें तो भैया जो आपकी दाएं तट की नदी है वो कौन कौन सी है, वो अभी देख लेते हैं। उसकी सबसे पहली कौन सी है, सबसे पहली है आपकी यमुना, कौन सी है, यमुना नदी है। देखो सबसे पहली है यमुना, तो यमुना नदी है वो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो प्रश्न आता है कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी, तो कौन सी हो जाएगी, तो आपकी यमुना नदी हो जाएगी। और यमुना नदी कहां से निकलती है, उत्तरकाशी जिले में बंदरपुर चोटी पर ही क्या है, यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। यमुना नदी यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। और यह कितने राज्यों और कितने केंद्र शासित प्रदेशों से गुजरती है, इसको भी आप ध्यान रखना है। तो देखो सबसे पहले है आपका उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद ये हिमाचल प्रदेश में जाती है, हरियाणा से होती हुई दिल्ली और यूपी, यानी कि आपके चार राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश है, चार राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश है, यूपी है, ठीक है। और इसी किनारे प्रमुख शहर की बात करें तो दिल्ली है, मथुरा है, आगरा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। दिल्ली, मथुरा, आगरा बड़े बड़े शहर है, वो यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। और साथ ही और क्या बात है कि इसकी जो प्रमुख सहायक नदी है वो कौन सी है, चंबल हो जाएगी, कौन सी है, चंबल नदी हो जाएगी, ये प्रमुख सहायक नदी है चंबल नदी। तो ये थी आपकी यमुना नदी जो गंगा की प्रमुख सहायक नदी है, तो उसको आप भी देख लीजिए। बाद नदी है टॉस या तमसा, यमुना के बाद है टॉस या तमसा। तो टॉस या तमसा नदी की बात करें तो इसको एक ही बात जानना कि ये प्रयागराज के समीप गंगा नदी में मिल जाती है, ठीक है। करमनासा नदी, उसके बाद आती है करमनासा। तो करमनासा है, इसका उद्गम है मध्य प्रदेश के त्रिशंकु पहाड़ी से होता है, और बिहार के चौसा में, चौसा
तो बिहार के चौसा में ये गंगा नदी में मिल जाती है। उसके बाद आती है सोन नदी, तो सोन नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक से निकलती है और ये स्वर्ण के प्लेसर भंडार के लिए प्रमुख है और बिहार के दानापुर में ये गंगा नदी में मिल जाती है। तो ये होगी आपकी सोन नदी। अब साथियों है पुनपुन नदी। कौन सी है? पुनपुन नदी। पुनपुन नदी है वो बिहार के फुतु में गंगा नदी में मिल जाती है। इसको आपने जानना है कि पुनपुन नदी है वो बिहार के फुतु में गंगा नदी में मिल जाती है। उसके बाद साथियों देखो, हमने पढ़ लिया कि जो आपकी बाएं तट की गंगा नदी के बाएं तट की सही नदियां, दाएं तट की सही नदियां। अब हम देखते हैं गंगा नदी की जो वितरिका है, इसमें प्रमुख है हुगली। वितरिका और सहायक नदी में अंतर है। क्या अंतर है? सहायक नदी यानी कि सहायक नदी होती है, उस नदी में मतलब अलग नदियां मिलती हैं तो वो होती है सहायक नदियां। लेकिन जो वितरिका होती है वो क्या होता है? वितरिका यानी कि जो नदी है वो बढ़ जाती है, ठीक है, यानी कि अनेक वितरिकाओं में बढ़ जाती है, अलग अलग नदियों में बढ़ जाती है। जैसे ये हुगली बन जाती है, भागीरथी बन जाती है, यानी कि दो नदियों में बढ़ जाती है। कौन सी? गंगा नदी बन जाती, गंगा नदी बढ़ जाती है। अब देखते हैं हुगली नदी। तो हुगली नदी के बारे में देखें तो हुगली नदी की बात करें पश्चिम बंगाल में, और गंगा नदी की वितरिका, ठीक है, गंगा नदी की ये क्या है? वितरिका है, इसको आप ध्यान रखना। और यह कोलकाता बंदरगाह और हल्दिया बंदरगाह इस नदी के किनारे है। तो कोलकाता बंदरगाह एकमात्र नदी बंदरगाह है भारत का, इसको भी आप ध्यान रखना। और हल्दिया बंदरगाह है वो हुगली नदी के मुहाने पर स्थित है। और हुगली नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है दामोदर, इसको भी आप ध्यान रखना। कौन सी है? दामोदर, जो रांची पठार से निकलती है, रांची पठार से निकलती है, रांची झारखंड की राजधानी, ठीक है। तो दामोदर नदी है वो रांची पठार से निकलती है, ब्रंस घाटी से बहती है। और दामोदर नदी घाटी को रूर, भारत का रूर प्रदेश कहते हैं, ठीक है, तो रूर घाटी भी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बिटुमिनस कोयले के भंडार मिले हैं। दामोदर को बंगाल का शोक नदी भी कहती है, बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहते हैं। इस प्रकार से दामोदर नदी भी इम्पोर्टेंट है। तो ये थी आपकी हुगली नदी। तो हुगली नदी हो जाएगी, दामोदर नदी हो गया। अब देखो साथी, जो गंगा नदी है, जो गंगा नदी है वो फरक्का में दो भागों में बढ़ जाती है, यानी कि दो भागों में, दो वितरिका में बढ़ जाती है। एक तो हो जाती है भागीरथी और एक हुगली। जब भागीरथी है वो बांग्लादेश में जाती है, बांग्लादेश में वह पद्मा के नाम से जानते हैं, और पद्मा में जमुना मिल जाती है। यहाँ से पद्मा जाती है और उधर से जमुना आती है। जमुना कौन? वही ब्रह्मपुत्र नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना कहते हैं, गंगा को बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं। पद्मा और जमुना आपस में मिलते हैं तो कहलाती है मेघना नदी। और मेघना नदी है वो कहाँ पर गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में, और सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है, जो विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है, यानी कि सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा, इसको भी आप ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से जो गंगा नदी था वो गंगा नदी समुद्र में जाकर विलीन हो जाती है। साथियों गंगा नदी के प्रमुख शहर देख लेते हैं, ये रह गया था। तो गंगा नदी है उस पर जो प्रमुख शहर है उसको देख लेते हैं। सबसे पहला है ऋषिकेश। कौन सा है? ऋषिकेश, हरिद्वार। तो ऋषिकेश है, हरिद्वार है, कन्नौज, कानपुर, प्रयागराज, बनारस, बक्सर, छपरा, पटना, भागलपुर, मुर्शिदाबाद, और आपका हुगली पर है कोलकाता। साथियों ये थे गंगा नदी पर प्रमुख शहर, जो आपका भागलपुर है। तो भागलपुर पर क्या है? भागलपुर पर विक्रमशिला वन्यजीव अभयारण्य भागलपुर बिहार है, और वहां पर गंगे डॉल्फिन के लिए प्रसिद्ध भी है, तो उसको भी आप ध्यान रखना। भागलपुर बिहार वाला ऑप्शन है, ये इंपोर्टेंट। तो ये थे प्रमुख शहर, कौन कौन से हो जाएंगे? ऋषिकेश, हरिद्वार, कन्नौज, कानपुर, प्रयागराज, बनारस, बक्सर, छपरा, पटना, भागलपुर, मुर्शिदाबाद, कोलकाता, इसको आप ध्यान रखना। तो साथियों आज हमने पढ़ा गंगा नदी को पूरा डिटेल में। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय।